अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबटाच। सबटाच इज़ अ सीरियस अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम। सबटाच जो है ये कंप्यूटर सिस्टम पर एक सीरियस संगीन अटैक होता है। सबटाच कहते हैं शरारत से किसी काम को ख़राब करना। सम मलिशियस यूज़र कैन अटैक द सिस्टम वाइल सिटिंग रिमोटली। मलिशियस यूज़र एक ऐसा यूज़र होता है जिसकी नीयत ठीक नहीं होती और वो आपका डेटा जो होता है उसको चुराने की कोशिश करता है अनऑथोराइज्ड वे से। और सिटिंग रिमोटली का मतलब होता है कि दूर से चीज़ों को एक्सेस करना है, यानी कि मलिशियस यूज़र जो होता है ये रिमोटली आपके सिस्टम को, आपके डेटे को एक्सेस कर रहा होता है और उसको सबटैच करने की कोशिश करता है, यानी उसके साथ छेड़खानी करता है। वन कैन सेंड वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर। मलेशियस यूज़र जो होता है ये आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर के साथ वायरस भेज सकता है। तो आगे हम बात करते हैं कि ये वायरस क्या होता है। अ वायरस इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू हार्म योर कंप्यूटर। अ वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद नेगेटिव इंटेंशंस। डियर स्टूडेंट्स, ये वायरस की डेफिनेशन भी है कि ऐसा प्रोग्राम जो नेगेटिव इंटेंशंस के लिए, नेगेटिव मकासद के लिए बनाया जाए वो वायरस कहलाता है। तो ये करता क्या है, वायरस क्या कर सकता है, इससे हमें नुकसान क्या पहुंच सकता है। इट कैन चेंज एंड डिस्ट्रॉय एन इंफॉर्मेशन और सबटेज अ प्रेशियस डेटा। ये हमारी कीमती इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी तबाह कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसमें तब्दीली कर सकता है। इसके अलावा हमारे कीमती डेटा के साथ वो किसी भी किस्म की छेड़खानी शरारत कर सकता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट हेडिंग, सिंपल इंक्रिप्शन। Encryption is the process of encoding data in such a way that only authorized person can read it. Encryption एक ऐसा process होता है जिसके अंदर data को इस तरह से encoding कर दिया जाता है, encode कर दिया जाता है कि कोई भी unauthorized person जो होगा वो उसको read नहीं कर सकेगा। Only authorized persons जो होंगे, जिनको हम खुद इजाज़त देंगे, खुद वो code provide करेंगे जो हमने encrypt किया हुआ है, तो तब वो पढ़ सकेगा। उसके अलावा जब हम इनक्रिप्ट कर देंगे डेटा को तो कोई बंदा उसको पढ़ नहीं सकेगा। इनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ डेटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इनकोडिंग की डेफिनेशन है, यानी कि डेटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना कि कोई बंदा उसको रीड ना कर सके। तो इसी तरह डेटा को इनकोड करना और इसको अनरीडेबल फॉर्मेट में लेके जाना साइफर टेक्स्ट कहलाता है। अ सीक्रेट कोड कॉल्ड की इज रिक्वायर्ड टू रीड द डेटा। और इस डेटे को रीड करने के लिए एक सीक्रेट कोड होता है जिसे की कहते हैं। अ की इज जस्ट लाइक अ पासवर्ड। ये जो की है ये एक पासवर्ड की तरह होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जो डेटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है, फिर इसको की यूज़ करके हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको दोबारा प्लेन टेक्स्ट में लेके आने के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो जी हाँ, हमें दोबारा फिर से प्लेन टेक्स्ट में जाने के लिए की की ज़रूरत होगी। तो ये जो की होती है ये सीक्रेट कोड होता है प्लेन टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। पहले क्योंकि प्लेन टेक्स्ट होता है, फिर हम उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो अब इसको वही बंदा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकेगा जिसको हम सीक्रेट कोड यानी कि की देंगे,